स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज हम पेपर का यूज करके सन बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमें येलो पेपर एंड ऑरेंज पेपर्स की जरूरत होगी। अभी हमें क्या करना है, हमें येलो पेपर का एक सर्कल चाहिए, येलो पेपर के ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स चाहिए और ऑरेंज पेपर के भी हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ट्राइंगल्स चाहिए। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास ऐसे कलर पेपर नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई भी ऐसा प्लेन पेपर यूज़ करके उसको कलर करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैम ने ट्राइंगल कैसे कट किए हैं आप पूछोगे, हमें तो पता नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे पेपर को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रिप बना लोगे और उसके बाद सीजर से ऐसे क्रॉस में कट करोगे। जब हम क्रॉस में कट करेंगे तो हमारे पास ऐसे खूब सारे ट्राइंगल्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सन प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो हमने सर्कल कट किया था उसको हम ऐसे अपसाइड डाउन उल्टा फोल्ड कर प्लेस करेंगे पेपर पे, ठीक है। और हम ऐसे ग्लू को चारों तरफ लगा लेंगे। हम पहले ग्लू लगाएंगे, ठीक है ना। ग्लू को अच्छे से हम जब चारों तरफ लगा लेंगे तो हमें पेपर को स्टिक करने में बहुत आसानी होगी। अब हमें येलो पेपर लेने हैं पहले, और येलो पेपर्स को ऐसे येलो पेपर्स को भी आपको उल्टा ही लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधे लगा दोगे तो फिर हम आपका जो सन है वो रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आपको आराम से ऐसे सर्कल में पूरा पेपर लगाते जाना है और सन का जो सर्कल है उसे घुमाते जाना है। हमने ऐसे लगा लिया और आपको ये जो लगाना है, पेस्ट करना है ना पेपर, बहुत आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका जो सन है ख़राब हो सकता है। अभी देखो, एक बार हमने ये पूरा येलो पेपर लगा दिया है, अभी हमें फिर से लगाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ग्लू लगाएंगे, ठीक है। और जो ये येलो पेपर्स हैं, दो येलो के बीच में हम एक ऑरेंज लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमने यहाँ पर दो के बीच में एक ऑरेंज लगा दिया, फिर यहाँ पर ये टू है ना, उनके बीच में भी हम ऑरेंज लगाएंगे। ये लगा दिया, अभी मैम ने एक ऑलरेडी रेडी करके रखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ऐसे ये पूरा लगा दिया है, पहले येलो वाला सर्कल, उसके बाद ऑरेंज का सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे सीधे करना है। अभी हमारा देखो सन तो रेडी हो गया, अभी हम क्या करेंगे, सन की आईज बनाएंगे। तो हमने सन की आईज बना दी, लग रहा है ना हमारा सन क्यूट सा। आईज बनाने के बाद हम सन को फेस बनाएंगे। तो हमने सन का हैप्पी फेस बनाया है, ये हमारा सन बहुत हैप्पी हैप्पी दिख रहा है ना। तो हमारा ये सन रेडी हो गया। अब आपको इस सन को अपनी ड्राइंग बुक में स्टिक करना है। तो देखो मैम ने यहाँ डेट वगैरह लिख रखी है, तो आज आपकी डेट है 13th of May 2020 एंड डे इज वेडनेसडे। अब आपको क्या करना है, इस सन को अच्छे से आपको ग्लू पहले लगाना है और आपको ये सन ऐसे यहाँ पर आपको अपनी बुक पे ऐसे पेस्ट कर देना है और आपका जो सन है ये बनके तैयार हो गया। मज़ा आया ना, थैंक यू, बाय बाय।